जय भद्रकाली। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में दो तरह के डायरेक्टर्स होते हैं। एक वो जो बहुत सिंपल सी कहानी को लार्जर देन लाइफ, ग्रेटर देन एवरीथिंग करके दिखाते हैं, जैसे कि राजा मौली। अब आप बाहुबली को ही ले लीजिए। बहुत ही सिंपल सी कहानी थी, एक साम्राज्य का कोई राजा नहीं है जिसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। दो भाई हैं, दोनों टैलेंटेड है, दोनों में से कोई भी एक राजा बनना चाहिए, लेकिन इनसिक्योरिटीज की वजह से बड़ा भाई छोटे भाई को मरवा देता है, अपनी मातक को मरवा देता है। फिर छोटे भाई का बेटा बड़ा होता है, वो बदला लेता है, खुद राजा बन जाता है। सिंपल सी कहानी थी, लेकिन दिखाने का तरीका, सस्पेंस क्रिएट करना, कहाँ जाते हैं, कैसे करते हैं, वो हर एक चीज इतनी लार्जर देन लाइफ दिखाई ना। पिक्चर बाहुबली, द ग्रेट मूवी एवर बाहुबली बन गई। वहीं जब एक एक तो ये डायरेक्टर एक डायरेक्टर होते हैं जिनके पास ऑलरेडी कहानी बहुत गजब होती है, बहुत बढ़िया, एक रियल इंसिडेंट पे बनी हुई, सत्य घटना पे आधारित, जो थी अजमेर 92। लेकिन उसकी माधव ने कर दी पूरी पुष्पेंद्र सिंह ने, भाई साहब पैसा बर्बाद कर दिया इस इंसान ने। भाई ऐसा लग रहा जैसे कहीं कोमल फोटो स्टूडियो में बैठे नहीं रहते, जो वीडियो एडिट करते उसको उठा के ले और जा भाई जा पिक्चर बना दे। इतनी गंदी इस बंदे की डायरेक्शन, इतनी बढ़िया कहानी थी अजमेर 92। कहानी कर सत्य घटना पे आधारित थी ये पिक्चर। अजमेर शरीफ दरगाह तो कहीं दिखाया ही नहीं उन्होंने, ना फारूक चिश्ती ना नफीस चिश्ती, कुछ है ही नहीं उसमें। कैरेक्टर्स के नाम बदल दिए इस बंदे ने, पुष्पेंद्र सिंह ने। मैं सारी गालियां जिसी को दूंगा, इसने किया क्या है? कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की, किस देश में निकला चांद, एकता कपूर के सीरियल के अलावा इसने कुछ नहीं किया। इसलिए पिक्चर इतनी गंदी करी है ना, इतना बुरी तरह से हगा है ना इस बंदे ने, यार कसम से इसको कह रहा हूं मैं, कोमल फोटो स्टूडियो में भी काम नहीं मिलेगा। वहां भी ये चाय पानी पकड़ाएगा, वहां के वीडियोस भी इससे ज्यादा बेटर बना सकते हैं वहां के करने वाले एडिटर जो है। इतना गंदा कौन काम करता है यार, इतनी गंदी ऐसी तैसी कर दी कहानी है कि यार इसने। एक्ट्रेस की बात करूं मैं, भाई एक भी बंदा तो हो गई ढंग का, एक्टर कहां से पकड़ के लाया भाई ये, कौन से मेले में से, कौन से जंगल से लेकर आया ये एक्टर, ये एक्टर है? अबे जीवन भर के लिए उन पे तोहमत लग गई कि ऐसी फिल्म तूने उनसे करवाई और इनको दूसरा कोई काम भी नहीं देगा फिल्म में इनके अलावा, तो सीरियल ही बना ले भाई, इनको दूसरा कोई सीरियल पकड़ा दे, ये एक्टर बनने लायक नहीं है। सिवाय एक विजेंद्र काला के किसी ने भी एक्टिंग नहीं करी है, किसी ने भी। राजेश शर्मा ने तो इतना बुरा हगा है भाई, आईपीएस एसपी बना दिया उसे, हवलदार नहीं लग रहा वो कहीं से भी यार। बाकी जितने भी छुटबट्टू एक्टर इन्होंने लिए सब बकवास। पिक्चर का म्यूजिक दो कौड़ी का नहीं, जब भी तो कोई देखने नहीं जा रहा, लोग थिएटर के बीच में से उठ उठ के जा रहे थे। मैं भी जाना चाहता था लेकिन मुझे था कि यार फिल्म रिव्यू करनी है, झेलनी पड़ेगी यार भाई कसम से, रिव्यू के चक्कर में क्या क्या झेलना पड़ता है यार, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। रिव्यू करते करते देखो मच्छर काट दे, बीच में खुजाना पड़ता है, रोक नहीं सकते वीडियो भाई। बहुत गंदी पिक्चर है, मत जाना देखने। आप लोगों ने कहानी सुनी हुई है ना, कहानी बहुत बढ़िया है, सत्य घटना आप लोगों को पता है, कहानी भी नहीं कहूंगा मैं इसको, सत्य घटना आप लोगों को पता है क्या हुआ था। 250 से ज्यादा लड़कियों के साथ पूरा सेक्स रैकेट चलाया था, कैसे लड़कियों के नंगे फोटोज खींचा करते थे वो, और उनके बाद उनको ब्लैकमेल किया करते थे, फिर कैसे पकड़ा उनको, वो एक पूरी कॉन्स्पिरेसी इन्होंने तो ऐसा खत्म कर दिया बस यूं, कोई सस्पेंस नहीं, कोई मतलब नहीं। मैंने कहा यार अब शुरू होगा, अब कुछ आएगा, अब कुछ ढंग का दिखेगा, कुछ भी नहीं है। कौन ले रखा है वो पत्रकार, कौन है वो लौंडा, इतना गंदा एक्टर है यार वो बंदा, इतना भद्दा एक्टर कौन लेता लीड रोल के लिए, इतने गंदे गंदे एक्टर। और क्लोजअप मोनोलॉग, सबको मोनोलॉग, सबको 5-5 मिनट, जिसकी थोड़ी सी भी एक्टिंग वो सीरियल वाला कीड़ा जाएगा नहीं, जिसकी थोड़ी सी भी एक्टिंग ले बेटे तू भी 5 मिनट का मोनोलॉग ले ले, तू भी एक डायलॉग बोल बड़ा सा, तू भी एक डायलॉग बोल बड़ा सा। और फुद्दू डायलॉग, क्या डायलॉग, गंदे, बहुत गंदे, झेले ना जाए कान में पस पड़ जाएगी, इतने गंदे डायलॉग यार। मुझे लगा था शायद केरला स्टोरी जैसी कुछ अच्छा कुछ निकलेगा, मैंने तो इतनी तारीफें कर दी थी यार ट्रेलर देखने के बाद, क्योंकि मुझे थोड़ी पता था कि डायरेक्टर इतनी गंदी फिल्म बनाएगा, इतनी गंदी कौन बनाता है यार। अंबानी जी के पास बहुत पैसा भाई बर्बाद करवाने के लिए, कसम से ऐसे ऐसे ये डायरेक्टर्स को लेके भाई मैं धक्के मारो ही ना यार, कहां से पकड़ के लाते हो यार। ये सीरियल वालों को जब फिल्में बनाते हैं ना तो यही हाल होता है भाई, मत जाना गाइस गलती से, गलती से भी मत जाना गाइस। 250 रुपए की टिकट थी, 350 रुपए ऊपर से लग गए खाए पिए में, पैसा बर्बाद। तुम्हारा पैसा बचा रहेगा, तुम लोगों को मेरी पुराना वाला वीडियो उठा के देख लेना जिसमें मैंने बताया हुआ पूरे इंसिडेंट के बारे में कि क्या हुआ था, और भी काफी सारे लोगों ने बनाए हुए वो देख लेना, लेकिन ये पिक्चर मत देख लेना, कसम से कह रहा हूं इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा, बहुत गंदी पिक्चर है, बहुत वाही याद है। रहने दो यार, ये मूवी रिव्यू के चक्कर में एक से एक सड़ी हुई पिक्चरें झेलनी पड़ती है मेरे को यार।